Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, Pastor. जय मसीह की. जय मसीह की. आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है पास्टर जी. हालेलुया. आप प्रार्थना करेंगे सिस्टर जी सभा को शुरू करने के लिए. दुआ मांगे. जी हाँ. हालेलुया. 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 महाजीवन सामर्थ्य परमेश्वर, दया के बहते सागर परमेश्वर, एक बार फिर आपके इकलौते पुत्र यीशु नाज़नी आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर. जाने अनजाने में किए हुए गुनाह अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं समय के लिए परमेश्वर कि आपने फिर से परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें जोड़ा परमेश्वर. सचमुच पिता परमेश्वर, इस संगति के द्वारा जितने भी लोग जुड़ते परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर आपके लहू में ढांक देती हूँ परमेश्वर. सचमुच पिता परमेश्वर, आपकी आपकी उदारता के लिए परमेश्वर, आपके इस संगति के लिए परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर. बीते दिनों में भी परमेश्वर आपने अपने निकट रखा परमेश्वर, अपनी गूढ़ बातों पे हम पर खोला परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर. सचमुच पिता परमेश्वर, इस संगति के द्वारा परमेश्वर जितने भी लोग एकत्रित होते परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर आपकी आवाज उन तक पहुंचने पाए परमेश्वर, उनके दिल पे गहन करने पाए परमेश्वर. सचमुच पिता परमेश्वर, आज आपका वचन परमेश्वर लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर, और सचमुच पिता परमेश्वर आपकी योजना हमारे जीवनों से पूर्ण हो पाए परमेश्वर. मैं प्रार्थना करती हूँ इस दास पास्टर विनोद के लिए परमेश्वर. सचमुच पिता परमेश्वर, जो आप जो हमें आपसे जोड़े रखते हैं परमेश्वर, आपकी गूढ़ बातों से हमें अवगत कराते हैं परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर 100 गुना फल परमेश्वर इन्हें देना परमेश्वर, और हमेशा आशीषित रखना इन्हें, ज्ञान और विजडम देना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर इनके द्वारा जो ये वचन बांटते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाए जाने पाए परमेश्वर. आज की संगति के द्वारा भी परमेश्वर ये वचन परमेश्वर लोगों के जीवनों में काम करे, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जाने कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और नहीं है. ये प्रार्थना इकलौते पुत्र यीशु नाज़नी आपके सम्मुख होकर मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल करें. आमीन. हालेलुया. प्रभु जी, मैं सिस्टर मनीषा को, इनके पति को, इनके घराने को आपके कील्चिदे हाथ में देता हूँ. लॉर्ड, आई प्रे यू ब्लेस हर हाउसहोल्ड. Lord, I pray that you graciously grant her the desire concerning a house that she and her family has. May this petition be approved in heaven, Lord. May you provide them adequate resources, finances, and Lord, logistic information, and Lord, architectural advice, so that their house is built by you. Yes. For your word says, should not the Lord build the house? They that labor, they labor in vain. So I speak your blessing over her. And I pray, Lord, more than this, that her entire household will come to know you. Tera lahu, Prabhu ji, pure gharane pe hum chhidk dete. Yeshu ke naam mein. Amen. 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 Jai Masih ki. Jai Masih ki. Sister Tanuja ji, aap bhi prarthana kijiye. Praise the Lord, Pastor Ji. दुआ कीजिए. Hallelujah. 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 भगवान जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान
हमारे स्वर्ग के पिता, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम पिता आपके चरणों में आते पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता परमेश्वर, थैंक यू आपकी जीसस, तारीफ आपकी प्रशंसा करते पिता थैंक यू यहोवा, पिता जीसस, परमेश्वर आपके नाम को थैंक ऊंचा यू करते हैं। जीसस, आप अति महान है पिता, आप दयालु परमेश्वर है पिता, आप थैंक विलंब यू से लॉर्ड, क्रोध करने वाले, आप हमारे जिंदा खुदावन धन्यवाद बाप है धन्यवाद पिता, हम आपके नाम को ऊंचा करते धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हम पिता धन्यवाद परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे धन्यवाद बढ़कर पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे जीवन में दिया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यहोशा मशक, हम थैंक आपकी यू जय जयकार जीसस, करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते, यहोशा मशक आपकी जय थैंक यू जयकार करते। इस जीसस, घड़ी में पिता परमेश्वर हम आपको यीशु मसीह याद करते हैं, आपके लहू को मांगते अपने जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर, और इस ब्रॉडकास्ट में पिता आपके लहू को मांगते यीशु मसीह, जीसस, जितने भी पिता इसमें थैंक यू जुड़े लॉर्ड हैं जीसस, और थैंक यू फ्यूचर लॉर्ड में जुड़ने जीसस, वाले हैं, थैंक सब यू पर फॉर योर आपके प्रेशियस लहू की ब्लड, थैंक यू बौछार को फॉर योर मांगते प्रेशियस पिता, ब्लड, इस ब्रॉडकास्ट थैंक यू को फॉर मेरे योर प्रेशियस परमेश्वर ब्लड अपने जीसस लहू ऑफ की नाजरेथ, कवरेंस थैंक में यू फॉर योर लीजिए मेरे प्रेशियस पिता ब्लड, परमेश्वर, और थैंक यू फॉर अपने योर लहू प्रेशियस की ब्लड, थैंक यू प्रभु फॉर जी योर प्रेशियस कृपा को ब्लड, पिता अपने लहू थैंक के यू फॉर योर जलाल को प्रेशियस इस ब्लड, पर प्रकट कीजिए पिता, जितने भी लोग पिता सचमुच ये शिक्षा पिता हालेलुया परमेश्वर विश्व भर हालेलुया में सुनते हैं पिता, वो इससे हालेलुया, आशा थैंक यू आशीषित होने जीसस, पाए यीशु मसीह, पूरे समय थैंक को यू पिता, पूरी जीसस, थैंक यू ब्रॉडकास्ट को, जीसस, और आज जब हम आपके इन पर्वों में फास्टिंग में पिता जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें रखते हैं पिता सचमुच आपके मुख का प्रकाश हम पर चमकने पाए पिता, आपका जलाल हम पर प्रकट हो पिता, और हमारी तू प्रभु जी स्वर्ग से कान लगा के हमारी प्रार्थनाओं को सुने लॉर्ड, थैंक यू धन्यवाद देते हैं जीसस, आज के पूरे समय को पिता थैंक परमेश्वर, यू हम जीसस, आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा थैंक यू जलाल आपको जीसस ऑफ देते हैं, नाजरेथ, और प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हालेलुया जी, हम आपकी इस दासी तनुजा सेठ के लिए, इनके पति राजन सेठ के लिए, इनके बच्चों के लिए, मिस्टर मिसेस खन्ना के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया का साया इस घराने के ऊपर हो प्रभु। प्रभु, हम इस पर्व के दौरान प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में, जो प्रभु इनकी लैंड का मसला है प्रभु, जो प्लॉट है जहां पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, लॉर्ड दैट यू मे डिस्पैच एंजल्स फ्रॉम हेवन, लॉर्ड दैट यू मे मूव जुडिशियली, Lord, that you may bring verdict in their favor. Yes, Lord, I Lord. pray, may their Yes, right Lord. prevail in the name of Jesus of Nazareth. Yes, Lord तेरा Jesus. आत्मा काम करे प्रभु, इस पवित्र जी मैं। पर्व की वेला में हम ये प्रार्थना इस घराने Yes, के लिए करते Lord. हैं, यीशु मसीह के जलाली जी। नाम में। Amen. आमीन। जय Amen. मसीह Amen. की, जय जय मसीह मसीह की, के। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जसवंत जी, आप भी ऑनलाइन आइए, और परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ी अद्भुत गवाही पैदा की है, मैं चाहता हूं आप शेयर करें वो साक्षी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हम एक जबूर गाते हैं, साम 91 को आप सभी जानते हैं, उससे एक साम आगे जाएं, साम 92, हम मिलके गाएंगे। खुरमे दे दरख्त देवांगर, साधक ले लहावेगा, ज्यों लुबनान दा सरू वगदा, ओ भी वगदा जावेगा, खुरमे दे दरख्त देवांगर, साधक लहावेगा, ओ जो विच लगाए गए हालेलुया
दे पाक खुदावंद साधक वड्डी उम्र दे मेवा दे रहे ज्यों लुबनान दा सरूवत दा भूमि वधदा जावेगा उर्मी दे दरख्त देवांगरू साधक ले लहावेगा। जय मसीह की। जयमसी की ब्रदर पास्टर जी, मंजीत जो जलालाबाद से हैं, दुआ मांगिए, आप प्रार्थना करें, जी दुआ पास्टर जी, कीजिए। जी प्रिंस आवाज करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु आज की शाम के लिए खुदावंद यीशु मसीह, हम जितने भी लोग ऑनलाइन आए हैं खुदावंद यीशु मसीह, सबके अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका रूह कार्य करे खुदावंद यीशु मसीह नाथ से। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपका वचन सीखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी। प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आज ये जो वचन बताएं खुदावंद यीशु मसीह, जो हमें सिखाएं प्रभु, आपके रूह की ओर से हो खुदावंद पिता परमेश्वर। आप हमसे बातें करें यीशु मसीह नासरी। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम सीधे राहों पे चलें खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपके राहों पे चलने वाले लोग हो जाएं खुदावंद यीशु नासी। हमारे जीवन से पाप श्राप बोझ यीशु मसीह आपके कलाम के द्वारा से निकले खुदावंद पिता। प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग सुने खुदावंद, सबका जीवन बदल जाए खुदावंद यीशु नासी। प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, हमें अपने लहू के नीचे छुपाइए खुदावंद। कृपा कीजिए, प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मैं भाई मंजीत के लिए, इनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ आज, विशेष प्रार्थना। इन्हें संतान की खुशी दें प्रभु, और इनकी माता के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसे संपूर्ण रीति से चंगा करें प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस पर्व के विशेष अवसर पे, प्रभु जो भी कर्जा है इनका, लोन्स है यीशु मसीह, वो तेरी ओर से पे ऑफ हो जाए। मे यू पे ऑफ देयर लोन्स एंड रिलीव दिस फैमिली फ्रॉम एनी फाइनेंशियल बर्डन लॉर्ड बाय द पावर ऑफ योर स्पिरिट। हालेलुया, 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 यीशु के जलाली नाम में आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बड़ी खास बातों पे मनन करेंगे। आप बड़े ध्यान से सुनना है। हालेलुया। ये 7 दिन चलने वाला पर्व है जिसे हम लोग उपवास में मना रहे हैं, और परमेश्वर हमें सुपर नेचुरल सामर्थ दे रहा है। हालेलुया। गॉड विल लिसन टू यू वेरी अटेंटिवली बिकॉज दिस सीजन दैट वी आर गोइंग थ्रू is very sacred window of time that God has opened up. This is the week of Passover. This is the reminiscent of great and mighty manifestation of God's glory, that he stretched out his mighty arm in the land of Egypt. He smote all the gods and goddesses, the entire Egyptian pantheon buckled under the mighty presence of God, and he delivered his people miraculously. So on that night, the 14th day of the month of Abib, which was yesterday and is culminating today, when the moon was full,
The lamb was slain and the blood was applied on the doorpost. And in the middle of the night, the angel of death smote all the Egyptian firstborn. The Lord God took revenge so heavily on the people of Egypt because they butchered the male children of the Israelites. And they suppressed them and they kept them as slaves and they were exploited financially, socially, and they were treated as animals. But the Lord God delivered them with his outstretched arm. So this was the remembrance of that night that Jesus consummated on his last night as he broke the bread, took the cup, and he instituted the new covenant. And he became the lamb that now saves us. His blood saves us from the wrath of God, from the angel of death, from the angel of sicknesses and diseases, from every curse and malady. Hallelujah. Prabhu ka dhanyavaad. Mujhe thoda sa English bolna pada, kyunki Sister Natasha Bisson, she has joined us from the Caribbean island. To suniye dhyan se. Fasa ke dauran ki gayi prarthanaen प्रभु कान झुका के सुनेगा. अभी हमारे साथ ऑनलाइन है जिनको मैं जसवंत सिंह ब्रदर होशियारपुर से, सिस्टर जी सिस्टर तनुजा जी जब आप पंजाब आए थे तो उन्हीं के घर आए थे आप. उनके घर संतान नहीं थी बहुत सालों से और मेडिकली दिस वाज इम्पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना. आज ब्रदर ने मुझे बताया कि उनकी वाइफ शी इज विद होप. हालेलुया, बिकॉज द लॉर्ड गॉड विजिटेड हर. तो आज मैं आपको जो संदेश देना चाह रहा हूं, आपने पहले सुना है मत्ती रचि सुसमाचार 25 अध्याय, मैथ्यूज 25th चैप्टर, जीसस टॉकिंग अबाउट 10 वर्जन्स एंड वेरी कैटेगोरिकली फ्रॉम द वेरी ऑनसेट, फ्रॉम द वेरी गेट गो, जीसस सेज दैट 5 वर वाइज and the other 5 were foolish. पांच बुद्धिमान थी कुआरियों में से, पांच मूर्ख थी. प्रभु दूसरी जगह कहते हैं कि मूर्ख वो है जो अपना घर रेत पे बनाता है और बुद्धिमान वो है जो अपना घर चट्टान पे बनाता है. कलाम की शिक्षा, वचन की शिक्षा जो आपको यहोवा के लिए अलग करती है, सच्ची शिक्षा जो आपको परमेश्वर की स्वर्गीय एबिलिटी देती है सेट अपार्ट लाइफ जीने के लिए, प्रभु के लिए अलग किया जीवन जीने के लिए. पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, वेयर बाय ही हैज गिवन अस एक्सीडिंगली ग्रेट प्रॉमिसेस बाय विच वी कैन एस्केप द करप्शन दैट इज इन द वर्ल्ड एंड वी कैन But take the divine nature of God. उसने अपने बहुमूल्य वायदे हमें दिए हैं जिनके द्वारा पाप की सरहद से जो जगत में है हम बच सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल सकते हैं. जैसा प्रभु का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव हो सकता है. तो मैं एक वचन फिर देता हूं आपको, मैं अक्सर कोट करता हूं ये वचन नीति वचन में से, प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 6 अध्याय निकालें, प्रोवर्ब 6 एंड वर्स नंबर 23. सुनिए प्रोवर्ब 6:23, नीति वचन 6:23. फॉर द कमेंडमेंट इज लैम्प, कमेंडमेंट द वर्ड इज मिसबा, मिसबोट. आज हम थोड़ा डीप सीखेंगे कुछ बात, इसके अंदर परमेश्वर की मिसबोट है. मिसबा, मिसबोट, मिसबोट क्या है? इंस्ट्रक्शंस. यहोवा परमेश्वर आपको प्रतिदिन हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है स्वर्ग से. वो क्या है? लैंप है, लैंप. और आगे क्या लिखा है? द कमेंडमेंट मिसबोट इज लैंप एंड द टीचिंग इज लाइट.
मिसबॉट आज्ञाएं, इंस्ट्रक्शंस, परमेश्वर के कलाम की शिक्षा को जब आप अपने अंदर इकट्ठा करते तो वो रोशनी बनती है, लाइट, एंड टीचिंग अ लाइट एंड द रिप्रूफ ऑफ डिसिप्लिन आर द वे ऑफ लाइफ। तो जब परमेश्वर का धर्मी जन, पवित्र जन अपने वचन से आपको रिब्यूक करता है, करेक्ट करता है, डिसिप्लिन करता है, तो वो आपके लिए जीवन का रास्ता बन जाता है। तीन चीजें हैं इसमें, एक आयत में लैंप है, लाइट है और रोशनी से भरा रास्ता है। भाइयों बहनों, ये नैरो गेट है, नैरो गेट पे, सकरे मार्ग पे जब हम चलते हैं, परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा को, मिसबोट को और टीचिंग को अपने अंदर रखते हैं डेली मुसलसल, हालेलुया, तो हमारा घर चट्टान पे बनता जाता है। मई आता है, बारिश पड़ती है, आंधियां बहती हैं, तेज आंधियां, सैलाब आते हैं, लेकिन उस घर का कोई नुकसान नहीं होता। बुद्धिमान वो घर बनाता है उस अवधि चट्टान पे, हालेलुया। सो जीसस सेड फाइव वर वाइज एंड द अदर फाइव वर फूलिश। तो अब आप देखते हैं कि वो जो फूलिश है वो कौन है, जिनके पास क्या नहीं है, लैंप नहीं है। लैंप का मतलब वो जो रोशनी है, ऑयल, और लाइट नहीं है और जीवन का राह नहीं है। तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु ये पैराबल सिखाता है, 10 कुआरियां, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान। और इसके एंड में पैराबल के यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है उन मूर्खों को जिनके लिए द्वार बंद हो जाता है, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर हो जाओ। और दूसरी जगह यीशु मसीह 3-4 बार कहता है आई नो यू नॉट, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, तुम कुकर्मियों में तुम्हें नहीं जानता। लेकिन आज मैं आपको रूट में लेके जाना चाहता हूं। इनिक्विटी के लिए हिब्रू वर्ड है अवान, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, प्रभु कहता है, प्रभु उनसे कहता है कि हमने जो कहेंगे, हमने तेरे नाम में चमत्कार किए, भविष्यवाणियां किया, चंगाइयां की, प्रभु को अगर दूर हो जाओ, दुष्टों में तुम्हें नहीं जानता, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, कुटिलता के करने वाले। तो इनिक्विटी के लिए हिब्रू वर्ड है अवान, और इनिक्विटी के लिए ग्रीक वर्ड है अनोमिया, अनोमिया, नोमोस ग्रीक भाषा में परमेश्वर की व्यवस्था को कहते हैं, ग्रीक में यह है नोमोस। और इसके आगे जब अल्फा प्रिविटिव लग जाता है, अल्फा प्रिविटिव, तो उसके मीनिंग को निगेट कर देता है, वो नकारात्मक बन जाता है। नोमोस का मतलब व्यवस्था, अनोमिया अनोमोस का मतलब लॉलेसनेस, हालेलुया, लॉलेसनेस, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना, परमेश्वर की विधियों के अनुसार जीवन नहीं जीना, हालेलुया, परमेश्वर की वाचा को पांव के नीचे रौंदना, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीवन स्थापित ना करना। मतलब नोमोस एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। तो ये नोमोस, ये व्यवस्था क्या है, ये है टोरा, टोरा, टोरा है परमेश्वर की रोशनी, ये मूसा की 5 पुस्तकें, नबियों की पुस्तकें, भजन संहिता, टोरा, नवीन एंड केटुबीन, ये इसके हिस्से हैं हिब्रू में। तो परमेश्वर की टोरा, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जा, परमेश्वर की व्यवस्था, प्रभु क्या कहता है इसराइलियों से, कई बार नबियों के वसीले कहता है, प्रभु तुम, यू अडहोर्ड, यू लोड, यू डिटेस्टेड माई टोरा, तुमने मेरी व्यवस्था को, तुमने मेरी विधियों को, तुमने मेरी मिजवात को, तुमने मेरे इडोत को, तुमने मेरे स्टैच्यूज को, तुमने मेरी आज्ञाओं को नफरत की है, घिनौना समझा है, यहोवा परमेश्वर कहता है। तो यहोवा के लॉज,
यहोवा के स्टैच्यू, यहोवा की व्यवस्था को ना मानना, उनको पांव के नीचे रौंदना, ये यहोवा परमेश्वर का। तो यीशु मसीह क्या करता है, जो पैराबल्स में हम ये देखते हैं, यीशु मसीह कहता है दूर हो जाओ दुष्टों, में तुम्हें नहीं जानता, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, तुम कुटिलता के करने वालों। यीशु मसीह भेड़ों को और बकरियों को अलग करता है, भेड़ों को अपने राइट हैंड पे लेके आता है, बकरियों को अपने लेफ्ट हैंड पे ले जाता है। किन्हें कहता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाते हैं कि पुराना नियम तो खत्म हो गया, बहुत ही खतरनाक झूठी और शैतानी शिक्षा है ये, जो पुराने नियम से नए नियम की दुल्हन को डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहते हैं। झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित, झूठे पापा डैडी, झूठे नबी। प्रभु उन्हें कहता है वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, तुम हो अधर्म के करने वाले। क्यों? वो ये सिखाते हैं व्यवस्था को तो कीलों से जड़ दिया गया क्रूस पे, अब एक ही व्यवस्था है, प्रेम की व्यवस्था, लॉ ऑफ लव, बाकी सब क्रूस पे जड़ दिया गया। ये परमेश्वर की व्यवस्था की डिस्टॉर्शन है, परमेश्वर के कलाम को तोड़ना और मरोड़ना है ऐसे लोगों को जो लाइज को परपेचुएट करते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं, झूठी तालीम देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, सच्चे कलाम से दूर लेके जाते हैं। तो प्रभु कहता है ये लोग मेरे राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। तो 10 कुंवारियों का तमसील जब यीशु मसीह खत्म करते हैं, उसके साथ ही यीशु मसीह ये बात कहते हैं, डिपार्ट फ्रॉम मी फॉर आई नो यू नॉट, मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको मालूम जो वर्ड है मैं तुम्हें नहीं जानता, ग्रीक में उस शब्द का सही मतलब क्या है, जैसे एक स्त्री को उसका पुरुष जानता है और पुरुष स्त्री पुरुष को जानती है, एक ऐसा प्रगाढ़ संबंध जो केवल स्त्री पुरुष में होता है, प्रभु कहता है वो संबंध तुम्हारा और मेरा नहीं है। वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, इनिक्विटी के लिए वर्ड है अनोमिया, तुमने मेरे कलाम को तोड़ मरोड़ के सिखाया, तुमने मेरी व्यवस्था से लोगों को दूर किया, तुमने मेरे कलाम की गहरी शिक्षाओं से मेरे लोगों को दूर कर दिया। तो अब इस पैराबल में बात क्या है कि जो 5 मूर्ख हैं उनकी कुपियों में तेल नहीं है। तो इसके ऊपर मैंने आपको 5-7 घंटे की शिक्षा ऑलरेडी दी है, आज कुछ और गहरे पहलुओं पे हम मनन करेंगे। तो ये जो तेल है भाइयों बहनों, हिब्रू भाषा में जो ये तमसील यीशु मसीह दे रहे हैं, मत्ती ने अपना सुसमाचार एरामिक में लिखा है, बाद में ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया। तो असली शब्द क्या है वहां पर, असली शब्द है शिमेन, ऑयल के लिए असली हिब्रू वर्ड है शिमेन, और ये है शिन मेम नुन, शिन मेम नुन शिमेन, और ये है ऑयल, और अगर इसके साथ योड ऐड कर देंगे शिम मेम नुन योड, तो ये बन जाएगा मेरा तेल, माई ऑयल, हालेलुया। और शिमेन से ही शिम मैम नुन युड से बनेगा शिमिनी, जिसका मतलब है माई ऑयल, मेरा तेल। और शिमिनी जो है ये 8 नंबर भी है और 7 नंबर भी है हिब्रू में, 7 फेस्टिवल, यहोवा के 7 पर्व जो मैं आपको सिखा रहा हूं, पिशाक पासओवर, हाग मार्जा, हाग हमाजा पहला फल, शबुओत पंतेकुस्त, योम तिरुआ तुरियों का पर्व, योम किपुर प्राश्चित का पर्व, और सुकोत झोपड़ियों का पर्व। हालेलुया। और आपको मालूम शिमिनी का और भी मतलब होता है, शिमिनी का मतलब होता है गिनना, काउंट करना, किसी चीज की वैल्यू का एस्टीमेट लगाना, किसी चीज की वर्थ जानना। हालेलुया। तो शिमिनी 7 और 8, पीशाक हागमाजोर,
और उसके बाद उमर काउंट किए जाते हैं, 7 सबते, और 50वां दिन होता है शबुओत। और इसी के बीच में वेव ऑफरिंग दी जाती है शीफ को, पहला पूला काट के ऐसे हिला के यहोवा को ऑफरिंग करके चढ़ाया जाता है, पहला पूला, और इसके अंत में 2 रोटियां हिला के यहोवा को चढ़ाई जाती है। योम थिरुआ, तुरियों का पर्व, योम किपुर, शुकोत, सुकोत जिसे हम झोपड़ियों का पर्व कहते हैं। तो ये जो 7 पर्व हैं, ये उत्पत्ति 1:1 में, बेरेशित 12, एलोहिम, एत, हाशिमाइम, वा अथारेट्स, इस पे मैंने आपको बहुत शिक्षा दी है। तो ये 7 कुंजियां हैं जो 7 डोर्स को खोलती हैं। तो इसमें बात है शिमीन, शिमीनी, माई ऑयल, मेरा तेल, प्रभु कहते हैं। तो इन कुआरियों में से 5 को प्रभु कहते हैं, आई नो यू नॉट, मैं तुम्हें नहीं जानता, गो अवे, मुझसे दूर चले जाओ। तो झुंड कहता है, हमने मिरेकल किए, चमत्कार किए, चिन्ह किए, चंगाइयां की, भविष्यवाणियां की हैं। तो उसे यीशु मसीह क्या कहता है, वो जो उन्होंने किया, यीशु मसीह कहता है, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। और मैंने आपको बताया हिब्रू वर्ड अवान और ग्रीक वर्ड अनोमिया। अनोमिया का मतलब, नोमोस का मतलब लॉ, व्यवस्था, अनोमिया का मतलब इसके उलट। ये कौन लोग हैं भाई और बहनों, जिन्होंने परमेश्वर के कलाम के खिलाफ शिक्षा दी है, परमेश्वर की सच्ची और खरी शिक्षा को छिपाया है और झूठी शिक्षा लोगों को प्रचार की है। प्रभु ऑयल की बात कर रहा है, तेल की। तो इन्होंने विश्वास किया है, इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। ये आशा रख रहे हैं हम रैप्चर होगा, उठा लिए जाएंगे, लेकिन प्रभु क्या कहता है, तेल नहीं है। तो उन्हें क्या सजेशन दिया जाता है, रात को जाके तेल खरीद लो। तो कौन सी मॉल्स खुली हैं रात को, जहां से 5 मूर्ख कुंवारियां तेल खरीदेंगी? दूसरी 5 सर पे हाथ क्यों नहीं रख देती कि वो तेल से भर जाए, क्योंकि हम तेल को पवित्र आत्मा का अभिषेक समझते हैं। और बहुत लेइंग हैंड प्रेयर आजकल फैशन चल रहा है, ले हैंड प्रेयर, ले हैंड प्रेयर। बाइबल में ऐसा कुछ है ही नहीं। बाइबल में से कुछ चीजों को आइसोलेट करके, उसे हाइप करके, कमर्शलाइज करते हैं झूठे पास्टर, पैसा कमाने का साधन बनाते हैं। तो बचिए ऐसे अंधकार से। आई नेवर नो यू, यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। हालेलुया। तो 119 जबूर की 105 आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है, दीपक है, और मेरे राहों के लिए उजियाला है। और आप सभी जानते हैं कि जो ऑलिव होते हैं उनको लिया जाता है और क्रश किया जाता है, तब उनमें से तेल निकलता है। तो ये 5 मूर्ख हैं, ये परमेश्वर की वाइन प्रेस से नहीं गुजरी हैं, क्रश नहीं की गई शायद, इनके अंदर से वो ऑयल नहीं निकला है। तो बतूला जो होता है, बतूला और थेलमा, हिब्रू 2 वर्ड है। बतूला का मतलब होता है वर्जन, थेलमा का वर्जन मतलब होता है चेस्ट वर्जन। तो जो ये वर्ड मैंने आपको बताया, शिमिन ऑयल के लिए, तेल के लिए, ये है शिन मेम नुन। अब आप सुनिए ध्यान से, शिन मेम नुन। शिन मेम से क्या बनता है, शिन और मेम 2 हिब्रू वर्ड अल्फाबेट्स हैं जिनसे बनता है शेम। शेम का मतलब नाम, यहोवा का नाम, शेम। इसराइली लोग उसका पवित्र नाम नहीं लेते, क्योंकि प्रभु ने कहा तो यहोवा का नाम व्यर्थ में मत लेना। वो योड हे वाव हे नहीं कहते, वो हा शेम कहते हैं। हा शेम, शेम हे शिन मेम, हा शेम, शिन मेम नाम, प्रभु का नाम, दानेम। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम, तो नाम क्या है बाइबल में, बाइबल में नाम है आपकी आइडेंटिटी,
बाइबल में नाम है आपका कैरेक्टर, बाइबल में नाम है आपकी पावर, बाइबल में नाम है आपकी अथॉरिटी, बाइबल में नाम है हु यू आर, आप जो हो, वो है बाइबल में शेम, नाम। और शिन मेम नुन, शिनिन तेल। और ये नुन क्या है, मैंने आपको कई बार बताया, ये नुन जो है ये हिब्रू में और पेलियो हिब्रू में स्पर्म की तरह है, बीज की तरह। नून का मतलब है बीज। तो नून क्या करता है, बीज क्या करता है, शिन मेम नाम, शिन मेम नून, शिमिन तेल। उसके दो लेटर्स हैं, शिन मेम नाम। और नून क्या करता है, परमेश्वर के नाम को एक्टिवेट करता है, पुटिंग द नेम ऑफ गॉड इनटू एक्शन। परमेश्वर के नाम को चमकाना, परमेश्वर के नाम की तारीफ करना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। और नुन जो है शिन मेम को क्या करता है, एक्सेस करने की पावर देता है, कुंजी देता है नाम। वचन में लिखा है यहोवा का नाम एक गढ़ है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, इज अ लॉफ्टी टावर, द राइटियस रन्स when there is a storm coming, when there is a earthquake coming, when there is a calamity coming, when there is a hurricane coming, the righteous runs right into the name of the Lord. प्रभु के नाम में धर्मी छिप जाता है। जब तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, जलजले आते हैं, शैतान आता है, तो वह प्रभु के नाम में छिप जाता है, क्योंकि प्रभु का नाम क्या है, एक किला है। तो शिन मेम शेन, शिन मेम शेम, नेम नाम। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना, हालेलुया, प्रभु के नाम की हम्द करना, तारीफ करना। और आपको मालूम, मैंने आपको बताया, अगर इसके पीछे युड लग जाए तो ये बन जाता है माही ऑयल, मेरा तेल। और शिमिनी का मतलब गिनना भी होता है, काउंट करना। तो जो शबोत है, जो ये पर्व है, पिशाक, हगमाजा, और ये जो फर्स्ट फ्रूट का पर्व है, मुर्दों में से जी उठ के यीशु मसीह पहला पर्व बना, उसके बाद पेंतेकुस्त, इसके और इसके बीच में 50 दिन का गैप है, 7 सप्ते गिनी जाती है, 7 सप्ते। उसके बाद जो अगला दिन है वो है 50वां दिन, 50th डे, जिसे पेंटेकॉस्ट कहा जाता है। हालेलुया। तो जब ये फसा आती है, फसा का पर्व जिसे हम मना रहे हैं, ये पहला पर्व फसा, तो घरों से खमीर निकाला जाता है, हर तरह का खमीर। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय के 7 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है, जो मैं आपको कल सुबह शिक्षा दे रहा था, पर्व को मनाए, इस पर्व सारा गंदा खमीर निकाले। तो खमीर क्या है, खमीर है पाप, जो आदम से हमें मिला है। और यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों के खमीर से सावधान, जो अनोमिया, लॉलेसनेस, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी जिसे प्रभु कहता है, वो कौन है, जो परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ के सिखा रहे लोगों को, परमेश्वर की खरी सच्ची बातों को नहीं सिखा रहे, अपने मकसद से लोगों से पैसा कमाना, कलाम की मार्केटिंग करना, बिजनेस में तब्दील करना, वो ये काम कर रहे हैं, अनोमिया, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। तो प्रभु क्या उलाना देता है, कि इसराइली लोगों ने मेरी वाचा को तोड़ा, मेरा कवनेंट तोड़ा, ये मेरी प्रतिज्ञाओं को तोड़ा, मेरी मिजबात को तोड़ा, मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, और ये रास्ता भटक गए हैं। क्या कहता है यशाया, सबके सब भटक गए, बेड़ों की नाई, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से गिर गए। संसार में आपको मालूम, लोग ये सच्चा कलाम ढूंढ रहे हैं, इस सच्चे कलाम के अंदर कुंजियां हैं इन पर्वों के डोर्स को खोलने की, परमेश्वर की रीतियों को समझने की। लोगों के अंदर एक भूख पैदा हो रही है, आपको मालूम, परमेश्वर के लिए भूख, परमेश्वर के लिए तड़प, परमेश्वर के लिए खोज जो है, उसके लिए हिब्रू में क्या वर्ड है,
कफ मेम नून, खामनु खामनु, जैसे हिंदी का वर्ड है कामना, खमनु कफ मेम नून, परमेश्वर के लिए गहरी खोज। तो जब इज़राइल यहोवा से दूर चला गया, यहोवा की आज्ञाओं को, ये चला गया कलाम उनसे, वो दूर चले गए, तो यहोवा ने भी उनका, जिसे हिंदी में कहते हैं हुक्का पानी, बंद कर देना, एक्स कम्युनिकेट कर दिया। तो इज़राइल दूसरे देवताओं के पीछे गया, जिसे हिब्रू में कहते हैं इलोहिम आफरीम, झूठे देवताओं के पीछे, अन्य जाति के देवी देवताओं के पीछे चला गया, स्ट्रेंज गॉड्स के पीछे चला गया। तो यहोवा ने क्या किया, निकाल दिया अपनी धरती से। जब वो इलोहिम आफरीम के पीछे चले गए, तो कब प्रभु लौटा के लाता है आपको मालूम, तिशुबा, तौबा, पश्चाताप किसे कहते हैं, जब हम इसकी ओर लौटते हैं। ये जो व्यवस्था है, जो कवनेंट है, जो वाचा है, हम प्रभु से कहते हैं हमें माफ कर दो प्रभु, हमें क्षमा कर दो, हमें यीशु के लहू से धो दो, हम आपकी व्यवस्था में लिखी गई शर्तों के नीचे अपना सिग्नेचर करते हैं, हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब प्रभु हमें क्षमा करता है। हालेलुया। तो कवनेंट क्या है, सुने ध्यान से, परमेश्वर ने अपना नाम क्या प्रकट किया, योड ऐसे हाथ की तरह है, ए ऐसे एक विंडो है, डोर है, फिर वाव ऐसे कील की तरह है, ए फिर ऐसे विंडो की तरह है। परमेश्वर का नाम है योड हे वाव हे, वो कहता है दिस इज माई नेम। तो उसने 23 अध्याय लेवी व्यवस्था पढ़िए, 23, 24, 25 अध्याय, उसमें वो अपने पर्व देता है इसराइलियों को। लेवी व्यवस्था 23:1 में कहता है ये मेरे पर्व है, यहोवा कहता है अपने मुंह से, यहोवा ने नहीं कहा गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस मेरा पर्व है। आपको मालूम प्रेरितों के काम 12:4 में ईस्टर वर्ड लिखा है, लेकिन आपको मालूम वो ओरिजिनल वर्ड ईस्टर नहीं है, रोमन कैथोलिक चर्च ने उसे चेंज किया है। आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें, वो ईस्टर वर्ड नहीं है, वो पहला फल का पर्व है, लेकिन वो वलगेट, जो रोमन कैथोलिक ट्रांसलेशन वलगेट, जो सेप्टुअजिंट से की गई, जिसके अंदर प्रभु के कलाम को तोड़ मरोड़ दिया गया, ट्रांसलेशंस के अंदर बहुत बड़े षड्यंत्र हैं जिसके विषय में शायद आप लोग नहीं जानते। तो प्रभु कहता है ये मेरे पर्व है, मेरे मोआडीम है, हिब्रू वर्ड है मोआडीम। मैंने इसके ऊपर भी आपको शिक्षा दी है, 321 एडी में कॉन्स्टेंटाइन रोम के एम्परर ने पोप लोगों को इकट्ठा करके रोमन कैथोलिक निसियन क्रीड बनाई, और उन्होंने यहोवा के ही पर्व निकाल दिए कि हम इन्हें नहीं मानेंगे, हम नॉर्डिक लोगों के, जर्मेनिक लोगों के, स्किथियन लोगों के, उन गैर कौमों के, यूरोपियन जो दुष्ट पर्व बनाए जाते थे, भूतों की पूजा के, पितरों की पूजा के, शैतान की उपासना के, उन पर्वों को मनाएंगे, और वो पर्व कलीसिया के अंदर डाल दिए गए। हालेलुया। तो ये लॉलेसनेस है, अनोमिया, इसे प्रभु कहता वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। तो परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, ये मिस व्हाट, ये आपको शेम की ओर लेके जाती है। शेम क्या है, शिन मेम, यहोवा का नाम, योड हे वाव हे, आज इसका भी भेद मैं आपको बताऊंगा। तो नुन जो है, शिमिन में शिन मेम नुन, नुन मैंने बोला बीज, शिन मेम यहोवा का नाम, उसके संग यहोवा का बीज, ये कलाम। और मैंने बोला नुन जो है उसकी वैल्यू है 50, योवेल जो है, योवेल जुबली, उसकी वैल्यू है 50। तो योवेल में क्या होता है, जुबली में
जो किसी ने कुछ खो दिया होता है, जिसकी जमीन बिक गई होती है, जिसका इनहेरिटेंस मिरास खो गई होती है, वो वापस लौट आती है। तो नून आपकी मिरास को वापस लेके आ रहा है, आपको यहोवा की मिरास के संग जोड़ रहा है सच्चे कलाम के साथ। हालेलुया। तो 3 अध्याय निर्गमन की पुस्तक में मूसा प्रभु से बातें करता है, आग की जलती झाड़ी, पवित्र आत्मा की आग लगी झाड़ी, प्रभु उसका नाम पुकारता है, मोशे मोशे मोशे, और मूसा प्रभु यहोवा से बातें करता है। तो कहता है क्या कहेंगे वो लोग, किस परमेश्वर ने मुझे भेजा? तो आपको मालूम प्रभु क्या कहता है उसे? प्रभु कहता है मेरा नाम है अहिया आशेर एहिया, एहिया आशेर एहिया, आई एम द गायम, मैं जो हूं सो हूं, आई एम द गायम। बट आपको मालूम हिब्रू में प्रभु यहोवा क्या कहता है? एहिया आशेर एहिया, एहिया आशेर एहिया, प्रभु का पवित्र नाम है ये, एहिया आशेर एहिया, अलफ हे युड हे, आशेर अलफ हे युड हे, अलफ हे युड हे, आशेर अलफ हे युड हे, एहिया आशेर एहिया, ये मेरा नाम है। फिर कहता है ये मेरा नाम है, क्या मेरा नाम है? युड हे वाव हे यहोवा। आपको मालूम यहोवा नाम का मतलब क्या है? कवनेंट, वाचा, रिलेशनशिप, कभी ना तोड़े जाने वाला एग्रीमेंट। क्या आपका ऐसा एग्रीमेंट है यहोवा के साथ? इस तरह का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप है प्रभु के साथ आपका? तो प्रभु उसके संग क्या कहता है कि मेरा ये नाम, स्मरण करना, स्मरण, स्मरण के लिए, रिमेम्बर के लिए हिब्रू वर्ड है जकार, जकार। आपको मालूम एक महान नबी पुराने नियम में उसका नाम है जकरिया, जकराया, लेकिन हिब्रू में उसका नाम है यकार याहू, यकार का मतलब रिमेम्बर, याहू यहोवा, जिसे योडे वावे यहोवा याद करता है। हालेलुया। तो अब आप जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बातें आपको मैं बताने जा रहा हूं। यहोवा का जो नाम है योड हाथ, ए विंडो देखना, डिस्प्ले करना, प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, लोगों के आगे प्रदर्शनी लगाना, डिस्प्ले करना, हे योड हाथ, हे डिस्प्ले करना, दो हे है यहोवा के नाम में। जब ये दो हे को आप मिला देते हैं ना, जोड़ते हैं, तो ये मनोरा की तरह बन जाता है, जस्ट लाइक मनोरा। तो जो वाव क्या है? वो एक नेल की तरह है, कील की तरह है ऐसे। कील की तरह। तो अब सुनिए ध्यान से, ऐसे नेल, ठीक है, और दो चीजें उसे डिस्प्ले कर रही है, ए उसके नाम को प्रकट कर रही है, दो टेस्टमोनीज। आपको मालूम बाइबल में टेस्टमनी को, विटनेस को हिब्रू में क्या कहते हैं? हिब्रू वर्ड क्या है उसके लिए? आयन दालित, आयन दालित, आयन से आंख होता है, और दालित से दाल वर्ड बनता है, दाल। तो आयन दालित दो हिब्रू वर्ड है गवाही के लिए, यहोवा परमेश्वर की गवाही, मोआडीम, मोएड, जो मैंने आपको हिब्रू वर्ड दिया है, ये यहोवा परमेश्वर की गवाही देते हैं। मैंने आपको बताया
जो नुन है वो इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और मेम जो है, मेम का मतलब पानी भी होता है और मेम का मतलब वूम भी होता है, गर्भ भी होता है, और जैसे पानी में से मछली उछलती है। तो यहोवा ने इसराइली लोगों को मिस्र में दंड दिया और लोग उन पे कोड़े बरसाते थे और उनको तंग करते थे, परसिक्यूट करते थे और जबरन उनसे काम लेते थे। क्यों यहोवा ने ऐसा किया? क्योंकि उन्होंने यहोवा के आयन को, व्यवस्था को बिट्रे कर दिया, इसके संग चिपके नहीं रहे। यहोवा का तेल क्या है? यहोवा का तेल इज शिमिन, ये यहोवा का डीएनए है। आपको मालूम शिमिन जो वर्ड है ऑयल, ये आपको मालूम किसे रिप्रेजेंट करता है? शिमिन तेल सीमन को, सीमन जो पुरुष का बीज होता है जो उसकी स्त्री के अंदर जाके औलाद पैदा करता है। शिमिन बीज, जिस तरह पुरुष का सीमन स्त्री के अंदर औलाद पैदा करता है, उस तरह शिमिन ऑयल ये यहोवा का तेल है। यहोवा का तेल यहोवा का आत्मा है, पवित्र आत्मा। वो मरियम की कोख में गया और उसने परमेश्वर का पुत्र पैदा किया। हालेलुया। जोसेफ के शिमिन की जरूरत नहीं थी, यहोवा का शिमिन उसके अंदर गया और यहोवा के डीएनए से परमेश्वर पुत्र पैदा हुआ। तो प्रभु कहता है शिमिनी, शिन मैम नून, नून बीज, और उसके संग लग गया योड, शिमिनी माई ऑयल, मेरा तेल। हालेलुया। मेरा नून उसे एक्शन में लेके आता है। योड हे वाव हे एहिया आशेर एहिया, अलेफ हे युड हे आशेर, अलेफ हे युड हे, योड हे वाव हे। हालेलुया। युड हे वाव हे क्या है? शेम है, शिन मेम शेम है, उसे जकार करना, जकार जकार, मेरे नाम को स्मरण करना। प्रभु कहता है जकार के लिए क्या वर्ड है? जायन काफ रेश, जायन काफ रेश, जकार। आपको मालूम ये क्या बनता है? इट इज लाइक मेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस लाइफ इन द वूम ऑफ अ वुमन। हालेलुया। तो प्रभु के नाम में जो वाव है ये नेल की तरह है, एक कनेक्टर है, हुक है पेलियो हिब्रू के अंदर, और हे जो है वो डिस्प्ले पे करता है, दिखाता है, मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है, परमेश्वर को डिस्प्ले करता है। हे दो हे है, युड ए वाव हे, तो दो विटनेसेस हैं यहोवा के, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी यहोवा के विटनेसेस हैं, जैसे इज़राइल और जूडा परमेश्वर के विटनेसेस हैं, जैसे सूरज और चांद यहोवा के विटनेसेस हैं, ऐसे आप देखेंगे तो आपको बहुत विटनेसेस मिल जाएंगे। तो विटनेस के लिए वर्ड में फिर बताता हूं, आयन दलित। क्या है? आयन दलित। अब भेद सीखें तो जो वर्ड है ये पर्व, सात पर्वों के लिए, 23 अध्याय लेवी व्यवस्था में यहोवा कहता मेरे पर्व हैं, यहोवा कहता मेरी होली फीस्ट है, यहोवा कहता मेरी होली कन्वोकेशन है। यहोवा परमेश्वर ने कोई रेफरेंडम दे के उन्हें कैंसिल नहीं किया, वो फीस्ट आज भी चल रहे, वो इमॉर्टल है, इटर्नल है, अनंत काल तक वो फेस्टिवल चलेंगे। यीशु मसीह जब 1000 साल का राज्य करने के लिए पृथ्वी पे आएगा तब भी यरूशलेम में वो पर्व मनाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया चेले मनाते थे, यीशु मसीह ने मनाए वो पर्व। तो सुने अब ध्यान से, मोएड वर्ड है पर्व के लिए, मोअडीम। तो क्या वर्ड है? मेम वाव आयन दालित। मेम पानी या वूम, वाव कील, समझते हैं आप, मेल ऑर्गन की तरह है।
पुरुष के अंग की तरह जो जीवन पैदा करता है। मेम गूम और कनेक्टर ऑर्गन की तरह जो जीवन पैदा करता है। और आयन दलित क्या है? विटनेस गवाही। आयन दलित एडोत हिब्रू वर्ड है, एडोत जिसका मतलब टेस्टमनी गवाही। तो मेम वाव आयन दलित, आयन दलित का मतलब है गवाही, और मेम वाव वूम और फीमेल ऑर्गन मेल ऑर्गन जो जीवन रिप्रोड्यूस करता है। मोएड मोअडीम यहोवा के परब, ये सात परब, ये फॉल के और स्प्रिंग के परब हैं। ये परब खेतियों से कनेक्टेड है, गेहूं बाजरा और अंगूरों की कटनी, ये तीन कटनियां हैं बाइबल के अंदर जिसमें कलीसिया का पूरा भेद छिपा है। मैंने इस पे आपको छोटी सी शिक्षा एक बार दी है। तो आयन दलित है टेस्टमनी, इडोत टेस्टमनी, हालेलुया। तो ये यहोवा की टेस्टमनी देते हैं, यहोवा की टेस्टमनी उसको डिस्प्ले कर रहे हैं दोहे, हालेलुया। तो ये जो शिमीन, शिमीन है यहोवा का तेल है, ये यहोवा की साक्षी दे रहा है। यूढ़े बावे टेस्टिफायर, तो क्या कहता है प्रभु? यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12 अध्याय पढ़ना, खुद पढ़ना। प्रभु कहता है थोड़ा समय है जब जगत में रोशनी है, जब तक रोशनी है उसमें काम करो। और यीशु मसीह क्या कहता है? मैं जगत की ज्योति हूं। तो ये जो शमीनी है, मेरा तेल, मेरे तेल से जो रोशनी पैदा हुई वो रोशनी है खुदावंद यीशु मसीह। यहोवा कहता मेरा तेल, मेरा बीज, उससे जो रोशनी पैदा हुई वो यीशु है। यीशु कहता मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा अंधेरे में ठोकर नहीं खाएगा। फिर यीशु मसीह अंत में कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। तो लाइट क्या है, रोशनी क्या है? रोशनी है शिमीनी, यहोवा का तेल, यहोवा का बीज। हालेलुया। शिमीनी, शिन मेम नुन योड, शिमीनी यहोवा का तेल, यहोवा का डीएनए, यहोवा का बीज, यहोवा की नेचर, यहोवा का कलाम, ये रोशनी है। यीशु मसीह यहोवा की रोशनी है। और अंधेरा क्या है? अंधेरा है शैतान की शिमीनी, शैतान का तेल अंधेरा है। प्रभु कहता है हम ज्योति की संतान है, शिमीनी के औलाद हैं, और अंधेरे की औलाद थे हम पहले, लेकिन अब हम ज्योति की औलाद हैं। उसका जो बीज है वो रोशनी लाता है। यीशु मसीह यहोवा का बीज है, यहोवा का डीएनए है। हालेलुया। शेम शिमीनी। तो सीड क्या है? प्रभु ने बोला बीज क्या है? ये कलाम बीज है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। यीशु मसीह पैराबल से कहते हैं बीज क्या है? यहोवा का कलाम। हालेलुया। तो क्या है बीज? टोरा। यीशु मसीह चलता फिरता टोरा है, यीशु मसीह शरीर में चलता फिरता यहोवा का कलाम था। माई ऑयल, प्रभु कहता है मेरा नाम है, मेरा डीएनए है। तो पांच वो जो मूर्ख कुंवारियां हैं भाइयों बहनों, उनके अंदर यहोवा का डीएनए नहीं है, यहोवा का शिमीनी नहीं है, उनके पास कलाम की सच्ची शिक्षा नहीं है। मैं देखता हूं भाइयों बहनों, बहुत कम लोग हैं जो वचन की सच्ची शिक्षा के प्यासे हैं। बहुत से पास्टर मेरे संग जुड़े लेकिन उन्हें सच्चा कलाम नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे कलाम की वैल्यू जानते नहीं वो। ये सच्चा कलाम शिमीनी, यही आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। तो ये जो शिमीनी है, तेल है, उसका डीएनए है, यहोवा की आइडेंटिटी है, यहोवा की पहचान है, यहोवा का कैरेक्टर है इसके अंदर छिपा हुआ। तो ये जो दो हे हैं, युड हे वाव हे, ये किसकी गवाही दे रहे हैं?
युढ़ाक वाबकील, जो मैंने बताया मेल ऑर्गन की तरह है। हालेलुया। और मैंने आपको बताया आयन दलित इडोत का मतलब होता है टेस्टमनी। मुआडीम जो है पर्व जो है उसके अंदर है मेम वाव आयन दलित। मेम वाव, मेम का मतलब गर्भ, पानी, जीवन, गर्भ, और उसके अंदर ऑर्गन, परमेश्वर का ऑर्गन जो जीवन पैदा करता है, जीवन देता है, ये कलाम, जिंदा कलाम। आयन दलित क्या है? गवाही, टेस्टमनी, यहोवा की गवाही देता है। तो यहोवा की गवाही क्या है? यहोवा की गवाही है ये सात पर्व, ये यहोवा की गवाही है। इसे शैतान ने हटाया है और गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस कहला है, सेंट पैट्रिक डे, मदर्स डे, फादर्स डे, फलाना डे, इनका अध्ययन करेंगे। ये सारे पेगन फेस्टिवल हैं, शैतानी जड़े हैं इन पर्वों की जिन्हें लोग मनाते हैं। तो यहोवा की टेस्टमनी, इडोत, ये पर्व है, ये यहोवा का डीएनए है। तो अगर आप ये नहीं मान रहे तो आप इलोहिम आखरीम की पूजा कर रहे हो। इलोहिम आखरीम कौन है? दूसरे देवता। प्रेरित पलूस कहता है हे गलतियों, तुम्हें किसने भरमा दिया, किसने जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर, तुमने दूसरे सुसमाचार पे विश्वास कर दिया। कुरिन्थियों की कलीसिया को प्रेरित पलूस कहता है ये अनदर गॉस्पल है, ये दूसरा सुसमाचार है। प्रेरित पलूस कहता है अगर स्वर्गदूत भी आए या हम में से कोई आए और कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। तो ये गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस, ये लॉलेसनेस है। प्रभु कहता ना मैं तुम्हें नहीं जानता, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। वो लॉलेसनेस क्या है जिन्हें प्रभु कहता दूर हो जाओ मेरे से, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो क्या है लॉलेसनेस? वो है यहोवा के सच्चे कलाम, सच्चे पर्वों को मिटाना और झूठे पर्वों को कलीसिया के अंदर लेकर आना। ये लॉलेसनेस है, ये टोरा लेसनेस है। इसमें टोरा नहीं है भाइयों बहनों। तो नीति वचन पढ़े, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर उस पर हम करेंगे सेशन। नीति वचन बताता है यहोवा की इंस्ट्रक्शंस, जिसे मिसवोट कहा गया। यहोवा बोलता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को कानों से सुनना, अपने दिल के बीचों बीच में रखना, गले का हार बनाना, इधर बांध के रखना, इधर रखना यहोवा के कलाम को। क्या है वो इंस्ट्रक्शंस? हालेलुया। तो जो फूलिश है उनके पास क्या नहीं है? शिमिनी नहीं है, डीएनए नहीं है, मिसवोट नहीं है, अज्ञाय नहीं है। उनके पास मुआडीम नहीं है, पर्व नहीं है सच्चे। वो कुछ और चीजें मना रहे हैं, कुछ और चीजों के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। तो वो मूर्ख हैं और दूसरी प्रूडेंट हैं, वाइज हैं, बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सुन रही हैं, यहोवा की शिक्षा ले रही हैं, अपने अंदर शिक्षा इकट्ठी कर रही हैं। वो मानो प्रभु यीशु एक मत्ती की इंजील में कहते हैं, एक अच्छा मनुष्य, भला मनुष्य अपने अंदर के भले खजाने से भली चीजें बाहर निकालता है और बुरा मनुष्य बुरी चीजें। खजाना कैसे बनता है? जब कलाम की शिक्षा आपके अंदर जाके बैठती है। तो टोरा क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था क्या करती है? परमेश्वर का कलाम क्या करता है? हमें रिफाइन करता है, आग के अंदर तपाता है। जैसे चांदी सात बार तपाई जाती है आग में और शुद्ध होती है, ऐसे ये हमें तपाता है। आपको मालूम आग में तपाने के लिए टोरा, ये कलाम, ये सच्चा कलाम, सच्चे कलाम की शिक्षा हमें आग की भट्टियों में तपाती है और चांदी में से सारा गंद बाहर निकालती है। जब सारा गंद बाहर निकलता है, आपको मालूम हिब्रू में उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पिजास। हिब्रू वर्ड है पिजास, फेजाडी, फेजाडी, जिसका मतलब आग, आग के एक्सप्लोजन होना, आग के लपटों के बीच में जीना और आग की लपटों में से निकल के बाहर आना। हालेलुया, फेजाडी। तो ये पांच जो हैं बिना शमीनी के इंतजारी कर रही है, दूल्हा की इंतजारी कर रही है लेकिन बिना शमीनी के। मेरा तेल ही होगा कहता है,
मेरा बीज यहोवा कहता है, मेरा डीएनए यहोवा कहता है, मेरी गवाहियां यहोवा कहता है, मेरी गवाहियां मेरे पर्व इनके बगैर यहोवा की प्रतीक्षा कर रही है। पांच कुआरियां, इसलिए प्रभु इन्हें क्या कहता है, मूर्ख कहता है। हालेलुया। आपको मालूम इलोहिम जो यहोवा का नाम है अलफ से शुरू होता है, उसके अंदर अलफ साइलेंट है। यहोवा के नाम का पहला अलफ ही साइलेंट है, अलफ परमेश्वर है, यीशु का नाम है अलफ ताब। वो खामोश क्यों है, क्योंकि उसकी गवाही कौन दे रहे हैं, इडोथ दे रहे हैं, आयन दलित। आयन दलित कहाँ है, मैम बाब आयन दलित, मैम बाब आयन दलित क्या है, मोएड मोआदीम, यहोवा के परब, ये जो परब बनाए हैं। सूर्य और चांद उसकी गवाही दे रहे हैं। कल बताऊंगा आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 1:14 का भेद, चांद का और सूर्य का भेद क्या है। तो यहोवा साइलेंट है, ये उस यहोवा के नाम में अलफ अलफ साइलेंट है इलोहिम के नाम में, तो ये इलोहिम की गवाही देते हैं। योड हे वाव हे, दो हे डिस्प्ले कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं यहोवा के नाम को। 19 वजन में क्या लिखा है, हेवन डिक्लेयर्स, आकाश मंडल उसके हाथों के काम को दिखाता है। युड हे वाव हे, युड है हाथ, हे दो हे गवाहियां। वो जो ऑर्गन है बीज डालता है जो, उसकी गवाहियां कौन दे रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं यहोवा के काम जो आकाश मंडल के अंदर है। 19 वजन के अंदर ये लिखा हुआ है। हालेलुया। जकरिया 13 का 9 अगर पढ़ेंगे ना, तो 2/3 यरूशलम स्लॉटर किया जाता, मारा जाता है, 1/3 जो बचता है रेमिनेंट उसे आग में से निकाला जाता है। और आगे क्या लिखा है, प्रभु कहता है तब मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और ये लोग कहेंगे मैं इनका इलोहीम हूं, ये मेरी प्रजा है और मैं इनका परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर हमें उस आग में से रिफाइन करेगा, हालेलुया हालेलुया, तब हम आयन दलित इडोत यहोवा के तेल की गवाही देंगे। हालेलुया। यहोवा के कलाम के अनुसार चलेंगे, सच्चे कलाम के अनुसार। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग ऑनलाइन हैं, खुदावन मनीषा सिंह जी, मंजीत मसीह, रेनू बाला, सृष्टि सेठ, जस्सी सिंह, तनुजा सेठ, जसवंत सिंह, जस्सी, शिखा ठाकुर, आकाशदीप, सीमा कौशल, अमनदीप कौर, बॉबी आर्ट, लीना डेविडसन, रॉबिन सिंह, विजय कुमार, नताशा बिसोन, गुरविंदर सिंह, राजन सेठ, मंजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, रीना कुमारी, विनोद क्रिश्चियन फ्रॉम कैनेडा, बनाया संदीप इमैनुअल, चंद्रमोहन, सुलक्षणा स्टान, नरेश कुमार, अजय सूरी, सुनोवर साह, ललित मेहरा, अरोही अरुषि बंसल, सीए अमित चोपड़ा, सरबजीत सिंह, तारा बंसल, कासिम मसीह, सुरेश सैमुअल, जसवीर, तारा बंसल, कैलाश कुरिया, रमन खान, सोनू छांबा, गुरविंदर सिंह, विशाल चीटा, जसवीर, शमीना अशरफ, हालेलुया, कासिम मसीह, सुरेश कुमार, निशान सिंह साबू, जीत कुमार, पूजा बिष्ट, सतपाल सिंह, अजीम खान, गुरदीप सिंह, सुरेश कुमार, हरदीप मसीह,
हालेलुया। सुनीता कौर फ्रॉम इंग्लैंड, हरदीप मसी, हेरन हैरी फ्रॉम दिल्ली, प्रभु जी इन सबको आपके कींचते हाथ में देता हूं, आपका लहू छिड़कता हूं खुदावन। कासिम मसीह जी आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, खुदावन सब पे आपके खून की कुदरत को खोलता हूं। फसा के पवित्र दिनों में उपवासों के संग जो लोग ठहरे हैं उन पे तेरी बड़ी कृपा हो, तेरी दया का हाथ हो खुदावन, अपने खून में छिपाना। हालेलुया, हालेलुया। कासिम मसीह जी आप पाकिस्तान से हैं? जी जी मैडम, को आपके लिए दुआ करते हैं। लॉर्ड आई ब्लेस ब्रदर कासिम फ्रॉम पाकिस्तान, लेट योर हैंड बी अपॉन दिस प्रेशियस ब्रदर। प्रभु जी इनके खानदान के कबीले पे आपके खून को छिड़क, आपकी बरकत भाई कासिम इनके खानदान के खून के खुदावन के जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह की कासिम भाई जी, बस जी। सिस्टर पूजा जी जय मसीह की, कैसे हैं आप? अच्छी हूं पास्टर जी। दुआ करते हैं आपके लिए। प्रभु मैं पूजा बिष्ट को आपके हाथ में देता हूं, आपका खून छिड़कता हूं पूजा बिष्ट के ऊपर, आपका खून छिड़कता हूं। प्रभु तू अपने लोगों की आंखें खोल तेरे वचन की गहराइयां समझने के लिए, तेरे वचन की गहराइयों को समझना तुझे नजदीकी से जानना है, तेरे संग अपने संबंध को गहरा करना है। प्रभु ऐसा हाथ तेरे लोगों के ऊपर हो, पूजा बिष्ट पे, इनके घराने पे, प्रभु जी मैं आपकी ऐसी बरकत को खोलना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप में और गहरी चाल ये बहन चले, तुझे और नजदीकी से जाने, दया करना प्रभु। यीशु मसीह के जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप में से जो और ऑनलाइन प्रार्थना के लिए आना चाहते हैं आप मुझे रिक्वेस्ट करें प्लीज, आई विल एक्सेप्ट यू। वी ब्लेस यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हसी मोती, तेरा कलाम है हसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूं। प्रभु जी मैं आपकी इस दासी के लिए प्रार्थना करता हूं जो स्क्रीन पे हमारे साथ है। प्रभु मैं तेरा लहू तेरी इस बेटी पे छिड़कता हूं, प्रभु तेरी कृपा का हाथ तेरी इस बेटी के ऊपर हो, प्रभु यीशु तेरा लहू छिड़कता हूं, आशीष का हाथ अपनी बेटी पे बढ़ाना खुदावन, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं इनके बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो खुदावन विदेश जाना चाहता है, आप उसके लिए रास्ता खोल दें प्रभु जी, स्वर्ग से प्रभु जी आप मात्र इशारा करें, मात्र दृष्टि करें तो प्रभु जी सारे मार्ग खुल जाएंगे। मैं आपका लहू छिड़कता हूं यीशु के जलाली नाम में। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, सब सब मिलके प्रार्थना करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम हमारा जो जिसकी फाइल अभी लगी हुई है, सब प्रार्थना करें कि एक मौजा चमत्कार हो यीशु मसीह की तरफ से और वो हमारा काम बहुत जल्दी अप्रूव हो जाए यीशु मसीह के जलाली नाम में। प्रभु जी वो जहाँ फाइल है हमारी उस पर तेरा लहू लगाते हैं यीशु मसीह, हमारे फेवर में
बहुत जल्दी फैसला आ जाए, सारे बंद द्वार खुल जाएं प्रभु जी, ऐसी अनूठी महान कृपा आप कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम में हालेलुया। प्रभु मैं मोहन जोशी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मैं ज्वाइन किया है, मोहन जोशी की लाइफ पे आपकी कृपा हो, आपका हाथ हो प्रभु, मैं आपका लहू छिड़कता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ अमरजीत कौर के लिए, आपकी बेटी के लिए, और खास करके उसकी बेटी के लिए, उसकी बेटियों की दो बेटियों के लिए प्रभु जी। ये आपकी बेटियां हैं, इन चारों को आपके लहू में छिपाता हूँ, और अमरजीत कौर के पति को भी आपके लहू में छिपाता हूँ प्रभु। आपके राज्य के लिए जो ये बोते हैं खुदावंद, उसका 100 गुना अजर स्वर्ग खोल के आप इन्हें देना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु इस पर्व की विशेष आशीष आपकी इस दासी पे और इसके घराने पे आ ठहरे, ऐसी कृपा करना प्रभु जी, दया करना, कृपा करना प्रभु जी, दया करना प्रभु जी। हालेलुया, आपका जलाली नाम ऊंचा प्रभु। मैं यीशु के नाम में जीत कुमार को भी आपके हाथ में देता हूँ, और प्रभु मैं अजीम खान के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, और खुदावन मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ सुनीता कौर के लिए ब्रिटेन से, आप प्रभु अपनी बेटी को छू के चंगा करना। एंजेला ड्रोच उनकी बेटी को मैं आपके खून में छिपा देता हूँ खुदावन, आपकी बरकत खोलता हूँ। भाई हेरन हेरी पे आपका हाथ हो दिल्ली से, आपके खून में छिपाना। ब्रदर कुंदन शाह को आपके लहू में छिपाता हूँ, आपकी आशीष खोलता हूँ खुदावन। प्रभु मैं मनमीत कौर के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसने हमें ज्वाइन किया खुदावन, मनमीत कौर पे आपका हाथ हो। हालेलुया, प्रभु जी मोहन जोशी पे मैं आपका लहू छिड़कता हूँ, बरकत दीजिए मोहन जोशी को, अपने लहू में छिपाइए खुदावन। आई प्लीड योर ब्लड लॉर्ड जीसस ओवर मोहन जोशी, ओवर गुरविंदर सिंह, आई प्लीड योर ब्लड, आई प्लीड योर ब्लड, प्लीड योर ब्लड, प्लीड योर ब्लड, प्लीड योर ब्लड। तेरे लहू की जय जयकार प्रभु जी, तेरे लोगों पे तेरे लहू का छिड़काव हो आज की रात, पवित्र लहू का पवित्र छिड़काव हो यीशु के नाम में। सुरेश कुमार को जो शिमला से आगे रहते हैं खुदावन, तेरे लहू में छिपाना, आने में बरकत देना खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु आपका, धन्यवाद, 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 हालेलुया। मुंह में थोना छिपावी, तंगी बेच तू कन्न लगावी, मुंह में थोना छिपावी, तंगी बेच तू कन्न लगावी। कली उतर जरूर, कली उतर जरूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर, मेरी दुआ हुण पहुंचे। तुए वांग उमर गई, हड्डियां बालन दी ढेरी, होया तेथो मैं दूर, होया तेथों
मैं दूँ मेरी दुआ। हजूर मेरी दुआ। अब हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति हम सबके साथ हमारे प्रभु के आगमन तक होती रहे। आमीन। जय मसीह। कल 10 बजे आराधना करेंगे, सब मिलेंगे कल 10 बजे और फसा की और बंदगी करेंगे हम। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह की।